जब आंकड़े आपको एक दिखला रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज आपके निजी प्रतिनिधि और जो आपके पार्टी के महासचिव भी हैं वो आज जेल के अंदर हैं, आप उस सारे चीज़ों से इतने घबराए हुए हैं कि आपके अंदर जो विधायक जो 3-3 लाख 4-4 लाख वोट का प्रतिनिधि है, जीत करके आया है, वो जब आता है और आ करके आप उसके साख पे प्रश्न लगाते हैं, जब वो प्रश्न उठाता है इन सबके लिए, तो आप राजनीतिक षड्यंत्र करके उसको पकड़ाने का काम करते हैं और उनको बैठाने का काम करते हैं। और अभी भी जो ये हथकंडा अपनाया है, जिस तरह से उनको लेकर के गया है, ये चुने हुए प्रतिनिधियों के साख पर सवाल है। जब जनता ये पूछेगी कि आपको लेकर के किसी विधायक को आपको क्यों बस में लेकर के लेके गया, आप पे क्यों शक था, तो जवाब देना होगा ना उनको कि हम भी बिकने वाले थे इसीलिए ना। ये अपने लोगों के साख को गिराने का काम और अपने लोगों पे विश्वास कम होने के कारण ये किया है। ये वंशवाद की राजनीति का परिणाम है, क्योंकि उन्हें अपने कुकर्मों के कारण उसकी सरकार जा रही है, उनकी सत्ता जा रही है, वो जाएगी आज नहीं तो कल, कोर्ट आदेश करेगा ही करेगा, वो जाएंगे। इनको मालूम है, बेहतरीन तरीके से मालूम है, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, उनको मालूम है, उनको भविष्य अपना मालूम है। इसलिए उनके बाद उनकी पत्नी को एक्सेप्ट हो जाए, उनका भाई बने ना, किसको बने ना, वो रहे। ये जो वंशवाद की राजनीति का जो पराकाष्ठा है, जो लूट के लिए और ये झारखंड को शोषण करने के लिए बनी है, ये अंदर की जो लड़ाई है, इस अंदर की लड़ाई को जनता का टैक्स का पैसा लेकर के बाहर में ला करके ये हथकंडा अपनाए हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, ये सरकार दलितों के आदिवासियों की हत्यारी है, बलात्कारी सरकार है, संवैधानिक संस्थाओं को लूटने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने पुराना पेंशन दिया, हमने एक्सटेंशन दिया सहायक पुलिसकर्मी को, पारा टीचर को परमानेंट कर दिया, अनुबंध वाले को करने जा रहे हैं, सेविका सहायिका का मेरे पास है, बोला कई काम है हमारे पास, बीजेपी के पास क्या है, झंडा का एजेंडा यही करते हैं। आप बताइए, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से घोषित है और वो राष्ट्रीय वैधानिक पद पे वो बैठे हुए मुख्यमंत्री है, और ये देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और देश का तिरंगा लेकर के 100 अरब देशवासी अपने घर पर लगा रहा है, इनको तिरंगा से भी परहेज है, तिरंगा से भी पेट में दर्द हो रहा है, इनके मन में तो है कि देश का तिरंगा नहीं पाकिस्तान का झंडा यहाँ लग जाए। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, और जिस तरह से सदन के अंदर इन्होंने तिरंगा का अपमान किया है, इस तिरंगा के आन बान और शान के लिए डेली लोग अपनी शहादत दे रहे हैं, अपने परम बलिदान को दे रहे हैं, आज उस तिरंगा का भी अपमान तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए, और अपने बेटियों को, झारखंड के बेटियों को लटका दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, महादलितों के घर पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, और इनके वक्तव्यों में ये सब घटनाएँ होती रहती है। ये दिखलाता है कि ये किस तरह से तुष्टिकरण के लिए देश की संस्थाओं का भी दुरुपयोग कर सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए तिरंगा को भी अपमानित कर सकते हैं, और यदि इनको सरकार में बहुमत हासिल करने के लिए पाकिस्तान का भी सहायता लेना पड़े तो पाकिस्तान को भी सहायता ले लेंगे, इनको यदि वोट बढ़ाने के लिए बांग्लादेशियों के यहाँ संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाना पड़े, जो ये करते हैं घुसपैठियों को, रोहिंग्या को, उसको भी ये करने से पीछे नहीं हटेंगे। देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना, अपने सत्ता को, अपने राज्य सत्ता को बचाने के लिए ये किसी भी हद में जा सकते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य ये साबित कर दिया है। एक आखिरी सवाल, सरकार बहुमत साबित कर दी, हेमंत जी सुरक्षित है ना? एजेंसी सरकार के पास तो बहुमत था। अरे बाबा, ये बहुमत साबित करने की जरूरत क्या था, किसने अविश्वास लाया था? विश्वास उनका अपने ऊपर नहीं है, ये विश्वास की कमी उनको अपने लोगों पर नहीं है, जिनको चोर समझ रहे हैं, हर व्यक्ति चोर दिख रहा है, क्योंकि आप जब दोषी होते हैं तो सभी को दोषी लगता है, जब इसलिए ये अब इस ये बात तो यूपीए की बैठक में ही हो सकती थी, इसके लिए इतना बड़ा विधानसभा को उसका क्यों माध्यम बनाया, उसको क्यों पॉलिटिकल बनाने का काम किया, क्यों जनता का टैक्स का पैसा खर्चा करके एक दिन का ये सत्र का नौटंकी उसने करवाया, और किसने सिर्फ तिरंगा का अपमान करने के लिए बुलवाया गया था क्या? ये सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, हेमंत सोरेन को माफ़ी मांगनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता से, झारखंड की जनता से, नहीं तो झारखंड की जनता इस तिरंगा के अपमान का बदला जरूर लेगी। शुक्रिया सर। विपक्ष कह रहा है ना हमने कहा था, ना गवर्नर ने कहा था, ना कोई कोर्ट का आदेश था, सरकार जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फिर से वो क्यों ला रही है, वो तो वही बताएंगे। विपक्ष कहता है कि वो अपना विश्वास खो चुके थे यूपीए में ही, इसी वजह से उन्होंने विश्वास मत लाया, लेकिन सरकार को कह रहे विश्वास मत से ज़्यादा वो जो अत्याचार और जो बलात्कार और जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उस पर जवाब देना चाहिए, तब तो लगता है कि सरकार वाकई में कुछ काम कर रही है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं।
the followup.in. Like, share, and subscribe. www